दोस्तों अगर भरोसा करना सिर्फ अपने पेरेंट्स पे, फैमिली पे और अपने खुद पे अगर करना, क्योंकि दोस्त तो साढ़े होते ही। अभी लगा लो भाई, एक दोस्त ने मेरे को 7:45 का टाइम दिया था और अभी टाइम हो रहा है 9, यानी कि 1.25 घंटा लेट। 1.25 घंटा से मैं वेट कर रहा हूँ, अब आया है। रेडियो जरा ब्लॉग के लिए कंटेंट ले लूँ भाई, तुम कॉलेज की प्रॉपर्टी के नुकसान कर रहे हो। तू साला और डाल ले मार से ये व्लॉग में जाएगा, ये पहले से टूटा था। चारू मैम कॉल आएगा तेरे पास, ये पहले से टूटा था अंदर। चारू मैम अगर ये व्लॉग देख रही है तो अबे नहीं आएगा भाई, तो पहले से टूटा हुआ सबको पता ही है यार। एकदम मैं शायद फोकस सेंटर हूं यार, एकदम मेरे में माइक है सेंटर। मेरे को तो क्यूएसएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, कंपनी का पूरा नाम भी नहीं पता फुल फॉर्म है नहीं भाई। टेस्ट के बाद कैसा लग रहा है? मेरा चैन वैन सब उजड़ा। साला कुछ नहीं आता था भाई, कुछ नहीं आता था। वीडियो बनाने से पहले ना हाँ क्या कर क्या है भाई, आंसर तो आता नहीं था, क्वेश्चन लिख के आ गया मैं तो अगले उसमें काम आएंगे। सही है भाई, पढ़ेगा अब घर जाके। सो गाइस, एक ब्लॉगर की जिंदगी काफी डिफिकल्ट होती है। अभी एक टेस्ट जो हुआ था दिन में कॉलेज में, उसमें सिर्फ 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे एंड मैं सेलेक्ट हुआ था मेरी क्लास से। मेरे सारे दोस्त नहीं हुए थे, तो उस वजह से भी 4:30 तो कॉलेज में ही बज गए हैं एंड 4:30 बजे अब मैं घर जा रहा हूँ। तो 4:30 बजे तक का यही सीन था भाई, अब देखते हैं इसके बाद जिम कब जाऊँगा भाई। सुबह का थका हुआ आदमी, रात में सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, चलो देखते हैं। गाइस रैपिडो बुक करी थी, 10 मिनट हो गए हैं। अभी ड्राइवर दिखा रहे हैं कि यहाँ से चला गया है, मतलब आगे चला गया है। कॉल कर रहा हूँ, साले का व्यस्त जा रहा है, देखते हैं क्या सीन रहता है। A few moments later. ओके भैया, हाँ रैपिडो किस नाम से? आपने बुक करी क्या? यार बुक करी थी पर एक राइडर आया था उसका नंबर ही नहीं था, फिर उसने कैंसिल कर दी थी, फिर दूसरा राइडर दे रहा था। कहाँ के लिए करी आपने? NIT 1 सावित्री पॉलिटेक्निक। क्या नाम है? अर्नव। आप ही हो? मैं तो अनिश्चल कर दी सब कर दिया। मैं तो इधर लिफ्ट के सहारे जा रहा था घर। अब हाँ ये तो मैं ही हूँ, कोई बात नहीं, बाइक खराब हो गई। अच्छा अच्छा, मेरे को दूसरा राइडर भी मिला था, पता है? एक मिनट ये उतार लो। 9393 है पिन, हेलमेट। अच्छा हेलमेट पहनना पड़ेगा, निकाल ले निकाल। 9393 ऐसे पहन लो, पूरा बंद करना पड़ेगा। ठीक है ठीक, चले। मैं इधर लिफ्ट के सहारे घूम रहा था, पता है अब? हाँ हाँ रास्ता तो पता है मेरे को, एक करा था उसका नंबर ही नहीं था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ 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 बीके के पास। मैं तो अभी दूसरी लिफ्ट आ रहा था, मैं को लिफ्ट नया छोड़ दे। एक लड़की रुकी थी पर वो जा नहीं रही थी उस तरफ, मैंने कहा थोड़ा सा छोड़ दे, फिर वो करी नहीं, मैं तो लिफ्ट जा। लड़कियों से ना लिफ्ट लेनी भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं लेनी, पलट पड़ेगा काम आका में कोई पुलिस वुलिस वाला पकड़ ले। बारिश आजकल बड़ी अजीब सी होती है, अभी परसों हो गई थी बहुत तेज, अभी आज सुबह से मौसम नहीं था, अब हो रही है। अभी ये कि कहीं तेज ना हो जाइए। हेलमेट में बाल खराब हो जाते हैं पूरे। सो गाइस रैपिडो राइडर के साथ एक मॉनसून राइड लेकर मैं घर पहुंच चुका हूँ। अब देखते हैं घर पे क्या चीज़ हमारा इंतजार कर रही है, कौन सा कलेश या फिर कौन सी खुशखबरी। लेकिन जो पहले वाला रैपिडो राइडर था, उसने इतनी हरामजादगी करी है ना भाई साहब, 10 मिनट वेट करा, उसका राइड कैंसिल कर दी। एक्शन होना चाहिए इनके अगेंस्ट। अब ये बात
2850 हो गए पहली बात तो, और ये बात मैं व्लॉग में बताऊंगा कि आपने मेरे लिए सेवियाँ तो ज़रूर बनाई हैं लेकिन आप खाने नहीं दोगे। आप पहले कहोगे कि दूध लेकर आओ, तब पहले दूध लेकर आना पड़ेगा। दोस्तों आज तो मोहित गाड़ी लाया रात को घूमने के लिए, सही हो गया ये। क्या गाड़ी इंश्योरेंस पे गई हुई यार, वो ठोक दी थी इन्होंने, ठोक दी थी वरना वाले ने, ये पीछे गाड़ी वाले ने मिल गया था ठोकने वाला। अरे ये रहा ये गाड़ी वाला ठोक गया। हाँ आपका गाड़ी, हाँ फिर क्या हो गया? कुछ नहीं, अब इंश्योरेंस में दिया है, ठीक होने गई है। बुरा खर्चा दिएगा ना? हाँ मार दिया, बैक कर रहे थे लगाते लगाते ठोक दी। गाइस मेरी तो पता नहीं कार इंश्योरेंस पे चली गई, मेरे को तो बाइक पे आना पड़ रहा है दोस्तों के साथ। कार वाला सुकून तो नहीं मिलता, पर सब ठीक है, काम चल रहा है। गाइस मेरे जीवन में तो सुखी नहीं है, कॉलेज से आके घर पे दो मिनट बैठो, आंटी ने झाड़ू मंगवा ली, भाई ने कचौड़ी मंगवा ली, जा रहा हूँ क्या करी, और कौन जाएगा? साथ में विशाल को भी बुला लिया है, मैं अकेला क्यों सफ़र करूं, वो भी मेरे साथ सफ़र करेगा, SCFER सफ़र। विशाल भाई ज़िंदगी में चैन नहीं है। वो तो है ही, फोन आया था क्या? अरे नहीं, घर पे आया हूँ अभी कॉलेज से, काम वाली आंटी ने झाड़ू मंगवा ली, भाई ने कचौड़ियाँ मंगवा दी और कौन जाएगा भाई, मैं मेरे को जाना पड़ता है। छोटा है ना तू घर का? हाँ घर का छोटे का तो भाई नौकर थोड़ी हूँ, घर का छोटा ही हूँ ना। ब्रेक नहीं स्कूटी में यार? भाई मेरी नहीं है, पापा की। अरे तो किसी की भी हो, ब्रेक तो होनी चाहिए। मैं तो अपनी पूरी जवानी निकाल दी बिना ब्रेक के स्कूटी चलाते हुए, चप्पलों से रोकते हुए। चप्पलों से नहीं रोकी पर इस बात तो आगे वाली है, आगे वाली है, पीछे नहीं है। किसी मर्जी रेस्टोरेंट का कुछ भी खाना खा लो, घर के खाने के सामने सब कुछ फीका है। सामने नहीं है, सामने बोला है। सो क्या हाल है गाइस, तो ये तीसरा या चौथा दिन है इस व्लॉग को कंटिन्यू करते करते, एंड अभी पहले मैं अपनी मील प्रिपेयर कर लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट, उसके बाद बात करता हूँ, पूरा बताता हूँ इस हफ्ते क्या क्या हुआ। सो गाइस ये आ गई अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, इसके अंदर है ओट्स और मिक्स सीड्स हैं और बादाम है और अखरोट वगैरह है, ये सब है और वे प्रोटीन डाला है। हमारे लिए थे इसने हेल्दी के चक्कर में, अब वापस करवा रहा अभी कर देना भाई, मोमोज मैदे वाले ही होते हैं पनीर। इसमें से एक पीस खा लिया इसने तो, गिन के करना ना भाई, अब तो दूसरे होंगे कि तो रखेंगे ना। वो चाट के थोड़ा ना खाया था गाड़ी में, एक उठाया साइड से, ये चटनी तो कोई नहीं लेगा ना। भाई चटनी थोड़ी वापस डालनी है, मोमो डालने हैं बस। अरे मोमो डाल के इसमें, मोमो डाल के वो वाले डाल दो, मैदे वाले डाल दो, ये कह रहे हो सारे निकाल ले? हाँ सारे। अरे इसको पलट, इसको बदल के इसमें मैदे वाले मतलब डाल दो। अब इसमें जो आप अब मतलब दे चुके आप खाए, अब हम वापस नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कोई खाएगा नहीं। चार वो हम क्या करेंगे उसका, आप बताओ यार, कमाल यार, ऐसे खा लो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं इसमें डालूंगा, हमारे कोई काम का नहीं, फ्राई वाले हैं। अब या तो तेरे पेट में जाएंगे और डस्टबिन में जाएंगे। एम तेरे चिकन मोमोस को खा रहा है, तेरे चिकन मोमोस को खा रहा है। खराब है, खराब किस्मत। मैं ओए मैं जब से आया हूँ ना तब से बोल रहा हूँ कि मोमोस मैदे वाले अच्छे होते हैं। नहीं बचे बोलो भाई, वो आंखों में मुद्दे को मेरे बोलो, आंखों में देखना लगा था, कितने बचे मैदे वाले? वो देखो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये तो बड़े स्वाद से लग रहे हैं। मैदे वाले तो बहुत अच्छे हैं यार, ये तो बड़े स्वाद है यार। भाई मोमोज होते ही मैदे वाले, ये आटे वाले तो क्या बकवास कुछ नहीं भाई, कोई भटूरे थोड़ी खाने तेरे को मैदे के। रिव्यू तो देते आ गया स्वाद, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे।
सही है, अच्छे। चलो भाई, किसी के दुख पैसे होते नहीं है। चलो भाई, जो बात मैं व्लॉग में करने वाला था वो तुम्हारे साथ ही कर लेता हूँ। तो ये हफ्ता मेरा बड़ा अप्स एंड डाउन्स का रहा है, मतलब ओवरवेलमिंग नहीं बोलते इंग्लिश में, क्या होता है वो पता नहीं होता है, ओवरवेलमिंग तो अच्छा नहीं होता। अबे पागल है क्या, मतलब ओवरवेलम इसको कहते हैं जैसे बंदा हाई एंड लो फील करता है उसको, ठीक है, मतलब भर आना, मन भर आना, उसको ओवरवेलम बोलते हैं। तो भाई मतलब मैंने इस हफ्ते में हैप्पीनेस भी देखी है, सैडनेस भी देखी है। अरे मैं नहीं बता रहा यार, तू छोड़ यार, क्यों शेयर तो कर रहा है दोस्त। अरे भाई तू फिर मेरा पास्ट खुलवा रहा है, छोड़। पास्ट क्या, दोबारा ब्रेकअप हो गया तेरा, पूरे 72 घंटे पुराना पास्ट बता रहा है इसका। अबे भाई मतलब जो भी है, मतलब वही कहानी, दोबारा बंदा जीना नहीं चाहता ना। एक तो देख, सबसे बड़ी बात है कि मेरे को डिहाइड्रेशन वगैरह सी हो रही थी, पता नहीं कौन सी भाई गंदी बीमारी लगी हुई है, गुप्त रोग है तेरे का। अबे भाई सुन तो, तो भाई बंदा ठीक नहीं होकर राजी हो रहा भाई। एक तो मैं दवाई में मेरे को विश्वास रहता नहीं है, मैं क्या जूस वूस पी लूंगा ठीक हो जाऊंगा। दो दिन ठीक हुआ था, कल परसों जूस नहीं पिया भाई, फिर आज जिम गया भाई। जिस वेट को मैं स्टार्ट भी नहीं करता ना, जिस वेट के भी एक अपर से मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं सुनता भगवान ने, सुन जैसे शोल्डर में स्टार्ट करता हूँ 15 के डंबल से। आज मैंने उसके ट्रेनर ने कह दिया कि भैया 10 के डंबल से स्टार्ट कर लो, मैं कह नहीं मैं 15 से करता हूँ। कह रहा नहीं नहीं भैया, दो हफ्ते बाद कर रहे हो तो चलो 10 से कर लो। मैं चल ठीक है 10 से कर लेता हूँ, कमजोर लग रहे हो। अबे 10 से उठाया, मैं कहा ये भारी क्यों लग रहा है इसकी, गलती से 20 तो नहीं डाल लिया भैया, आपकी वेट फेक है क्या। अबे नहीं सुन, तो ना भाई 15 उठे ना, 20 ना उठे भाई, मैं तो शोल्डर मारता हूँ तगड़े, 15-20-25 तक जाता हूँ ऐसे। लेकिन आज मेरा मैक्सिमम 15 तक गया हूँ मैं, सोच लेटर रेस कर रहा हूँ भाई 7.5 और 10 किलोमीटर कब का खुल गया आज देखा है। तो भाई आज मेरे को बड़ा दुख हुआ और मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई अच्छा खाना कितना ज़रूरी है। तुम्हारी डाइट है ना, अरे चीट डे है यार। देख मैं चीट डे लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं चीट डे चलता। देख अब देख, जैसे 75 वाट था वो पता है कौन कर सकता है, जो घर से बेल रहा है। अबे देख जो नौकरी वोकरी करता है या फिर जो पढ़ाई वढ़ाई करता है ना, वो सिर्फ 40 मिनट का ही वर्कआउट करे, जैसे उसमें है ना कि 40 मिनट का वर्कआउट है, 40 मिनट का ही करे फिर वो। जैसे हम तो 3-3 घंटे होते हैं जिम में, वो गलत है। देख भाई देख, ये भी उठाया जा रहा फ़ोन, पकड़ा भी नहीं जा रहा भाई, तो कंधे में दर्द हो गया। इसका बीमारी को ठीक होने में लगेगा टाइम थोड़ा। अच्छा मैंने भी सुना है। क्या अरे भाई वीकनेस है भाई बॉडी में, हमारे एरिया का सबसे बड़ा जिम आएगा। देखो भाई इन्होंने खाए मोमोज, एक तो इसके हाथ में है और मैं जूस ले रहा हूँ। अच्छा आ गया, मैं मिक्स फ्रूट ले, मैंने वैसे ही बोल दिया था, मेरे को पता थोड़ी था कि पाइनएप्पल होगा, मैं होगा मैं इधर पूछ ले नहीं होगा, पूछ एक बारी पूछ, नहीं होगा। कहाँ लिखा है, अच्छा लिखा तो है। मेरे को लगा कि पाइनएप्पल सिर्फ दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में ही पिया है मैंने बस। अच्छा कैलकुलेशन देख रहा है वो, तो भैया ने डेकोरेशन के लिए लगा रखे हैं जैसे। एंजॉय कर लूँ, फेंक दूँ, पी लूँ, पी लूँ। देखो भाई इस पे 10 रुपए कम है और जूस पी लिया। भाई भाई मैं नहीं दूंगा। अब पैसे कहाँ से देगा, तो इसके ये तो बता दे भैया। आपको मैं बताऊँ एक बात, यहाँ पर एक और पॉलिसी है, अगर आपके पास पैसे कम हो तो ये लोग जूस निकलवाते भी हैं बिना मशीन के, एक्स्ट्रा रस भी दे देते हैं। पेटीएम करवाएगा, पेटीएम कैसे करवाएगा, स्कैनर कैसे भेजेगा, ये जूस मेरा आवाज है गुरु गुरु। वो तो कहीं और से आ गई है। तो जल्दी जल्दी पी लिया, जल्दी जल्दी पी लिया, फोन कर पापा को, थोड़ा पेटीएम कर। अब एक बार इससे करा था ऐसे, एक बार ही करा था इससे भाई, अरे अरे याद आ गया मेरे को, जब मैं तुषार और यश थे भाई, एक पॉपकॉर्न खिलाने के लिए बोल दिया था, पता नहीं कौन सी इसमें। भाई मैंने तुषार से बोला भाई पॉपकॉर्न खिला दे, 20 रुपए बाद में ले लियो मुझसे, तो जो बोला डीगा खा ले मैं कर दूंगा, तो ले लिया पॉपकॉर्न पूरा खा लिया। इसके बाद भाई स्कूटी पे चल के निकलने लग गया भाई बंदा। हाँ तो मैं भी तो मैं भी तो अब ऐसी कर रहा हूँ। तब भी मैंने पेटीएम करा दी, तब भी मैं करा दूंगा।
स्कैनर भेज दे, व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप कर दे, नेट तो चल नहीं रहा, कर दे ले ले देख वाह देख वाह, गन्ने की मशीन के पीछे रखा है वाईफाई राउटर, अंदर जाएगा ना झुका के अंदर हो गए 10 रुपए उसके जेब में हाथ मार एम पैसे दे दे हेलो हाँ वॉक करने आ गए थे पापा जरा क्या कहते हैं दे दूंगा मैम दे दूंगा अबे अंकल बोलेंगे कैसे 200 तेरे 10 रुपए नहीं दे सकता दे दूंगा दे दूंगा अबे मजे ले रहा था दे दूंगा अबे दे दूंगा मजे ले रहा था कैसे पेटीएम इशू करेंगे तेरे करेंगे करेंगे खोखे वाले 10 रुपए लेते हैं क्या दो तो है इसके पास तो एक खोखे वाले 10 लेते थोड़ी है पेटीएम थोड़ी लेते हैं सॉरी कह रहा भाई अपने पापा से 10 रुपए पेटीएम मंगा रहा था तब मैंने इसको बोल दिया कि मैं दे दूंगा लेकिन अब मैं मुकर रहा हूँ भाई विशाल के पैसे हो गए हाँ चल दे मेरे पैसे तो हो गए भैया मैं तो अमीर हूँ भाई अपने 20 रुपए दे भाई ठीक है मैं करा अबे दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ काट दे अबे काट दे ये क्या कर रहा है तू मैं दे रहा काट दिया मार कर दिया मैं तो मुकर ही रहा हूँ कर दिया कि तू बेल्टों से मार रहा है कर दिया क्या भाई ब्लॉक कर अबे दे रहा हूँ दे रहा हूँ टेंशन कर रहा भाई ये हाँ तो दे रहा हूँ दे रहा हूँ ग्लूटन नहीं तो पूछ लिया बता दे दर्शकों दर्शकों नमस्ते दर्शकों तो आज की नई अपडेट ये भाई साहब ये छोटे से अभी कल पैदा हुए हैं ये मुझे बता रहे थे ग्लूटन क्या होता है मैंने कहा फिर बता अब ब्लॉग का अनुमान इसको पता है अबे बता दे ग्लूटन अहम ग्लूटन क्या होता है यार अभी तो बता रहा था यार देख अबे सही बता रहा था सही बता रहा था कहता जो हम आटे की रोटी खाते फिर काले काले निशान बनते हैं ना क्या 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 इधर देख के बोले पहले से अरे भाई फिर उसके बाद हिंदी में बता दे जो तो मोमोज लेके जा रहा उसमें है ग्लूटेन की नहीं है ये तो बता दे भाई जैसे हम आटे की रोटी खाते हैं ना ना जैसे हम उसे चबाते तो एक तरीके का कुछ जेल टाइप तुम्हारे मुंह के अंदर बन जाता है वो जेल टाइप आटे रोटी में जेल कहां से बनने लग गया बनता है भाई तू उसे ज्यादा चबा उसे ज्यादा चबा तेरे मुंह के अंदर भैंस हुए अच्छा ज्यादा चबा कुछ बनेगा क्या बनेगा मतलब उसे ग्लूटेन कहते हैं मेरे तो लार होती है वो सलाइवा क्या होता है सलाइवा हां सलाइवा तो हां सलाइवा ही तो ग्लूटेन सलाइवा उसकी बहन होती है अरे क्या कहते हैं भाई तो ज्यादा मात्रा में तो तू रोटी खा ले पानी पी ले सभी खराब है नहीं अरे श्रीराम स्कूल वाले बच्चे ना एक बार बता एक्सेस में तू कुछ भी चीज ले ले कोई चीज बोल कोई भी चीज बोल दे एक्सेस में कौन सी चीज अच्छी है कुछ भी नहीं अच्छा भाई एक्सेस में रोटी भी खाओगे ना एक्स्ट्रा वो भी खराब है सारी बात तो गाइस इसी के साथ 3-4 दिन का व्लॉग पूरे हफ्ते का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं कल से नया व्लॉग स्टार्ट करूंगा नया जिम ज्वाइन किया है अरे आशीष से तो मिला दे अपने दर्शकों और नए जिम का नया व्लॉग दिखाऊंगा आज दिखाया नहीं कल ही दिखाऊंगा अच्छे मूड में सो गाइस यही था जो पूरा हफ्ता था पूरा अप्स एंड डाउन से गया ये तो अब जो दोस्त होते हैं मेरे वो भी पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं तो अब आज सैटरडे था तो आज हम लोग थोड़े मिल लिए थोड़े मूड वूड थोड़ा ठीक हो गया है बाकी अब जो है वीडियो ये मैं अपलोड कर दूंगा कल सुबह 12 बजे तक अभी रात को मैं चैन से सोऊंगा तो चलो यार जिन्होंने ब्लॉग यहाँ तक देखा उन सबको लव यू है भाई आई होप टू सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो सो तब तक के लिए बाय